रेसलमेनिया 39 काफी नजदीक है, उसको लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है जो कि रिजल्ट से जुड़ी हुई है। वहीं आपको बता दूं रैंडी ऑर्टन को लेकर के गुड न्यूज आ रही है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए, तो वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने कहीं वीडियो छोड़ी तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के बारे में। ब्रे वाइट और बॉबी लैशली की फ्यूड रेसलमेनिया 39 के लिए दिखना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही ब्रे वाइट काफी हफ्तों में WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्रे वाइट को लेकर के सीन क्लियर नहीं है, वहीं बॉबी लैशली का भी सीन अभी रेसलमेनिया 39 के लिए क्लियर नहीं है। लेकिन अब ब्रे वाइट को लेकर के इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE से वो अनडिस्क्लोज इलनेस की वजह से, मतलब कि एक अज्ञात बीमारी जो कि WWE डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही है, WWE उस फिजिकल इशू को कवर अप कर रही है। ओरिजिनल रीजन जो है ब्रे वाइट से रिलेटेड वो नहीं बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो तो खैर WWE जाने। और बताया जा रहा है कि अनडिस्क्लोज इलनेस की वजह से ब्रे वाइट को रेसलमेनिया 39 से साइडलाइन कर दिया गया है, मतलब कि ब्रे वाइट हमें रेसलमेनिया 39 में दिखाई नहीं देंगे। अब एक्चुअल रीजन क्या है वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा जब WWE इसको डिस्क्लोज करेगी। वहीं हाल ही में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में LA नाइट जब बैक स्टेज इंटरव्यूर के साथ दिखाई दिए तो ब्रे वाइट का लोगो पीछे दिखाई दे रहा था, जिसके बाद से इस तरह के रूमर्स फिर से सर्कुलेट होने लगे कि भाई ब्रे वाइट वापसी कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं, पता नहीं ब्रे वाइट को लेकर के क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं LA नाइट के बारे में। LA नाइट को लेकर के जो रिपोर्ट दावे कर रही हैं वो ये कि LA नाइट रेसलमेनिया 39 का पार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके जो एक्चुअल प्लान है वो रिवील नहीं करे गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके एक्चुअल प्लान जो हैं वो लीक नहीं होने दिए जा रहे हैं, उनको सीक्रेट रखा जा रहा है, हिडन रखा जा रहा है। अब शायद WWE कोई स्पेशल अपोनेंट उनके लिए प्लान कर रही हो रेसलमेनिया 39 के लिए। लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं तो सेथ रॉलिंस को भी इसी तरह से एंड टाइम के लिए हाइड उनके प्लान रखे गए थे, फिर उनके जो अपोनेंट थे वो कॉडी रूट्स निकलकर सामने आए थे। तो हो सकता है कि LA नाइट का भी कोई सरप्राइज अपोनेंट हमें देखने को मिले, जो कि कोई बड़ा सुपरस्टार हो सकता है, एक वेटरन हो सकता है। अब स्टोन कोल्ड के नाम सामने आ रहे हैं कि LA नाइट वर्सेस स्टोन कोल्ड के बीच हमें मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टोन कोल्ड भी लगातार टीज करे जा रहे हैं रेसलमेनिया 39 के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 को लेकर के। आप लोगों को बता दूं रेसलमेनिया 39 को लेकर के दो मैचेस और ऐड करे जाने वाले हैं, जो जिसमें से एक मैंस और एक वुमेन्स फोर वे टैग टीम मैच होगा। अब आपको बता दूं जो मैंस का मैच है उसका लाइनअप निकल के सामने आ चुका है, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज अल्फा अकेडमी वर्सेज वाइकिंग राइडर्स वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे के बीच होता हुआ दिखाई देगा। अब इस मैच में दो टीम रॉ से और दो टीम स्मैकडाउन से हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वुमेन्स फैटल फोर वे टैग टीम मैच के बारे में, तो रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रकील रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन इसके लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में या रॉ के एपिसोड में हमें और क्वालिफाई मैच दिखाई देंगे। लेकिन रेसल वोट्स दावा कर रही है कि इस मैच में रकील रॉड्रिगेज लिव मॉर्गन वर्सेज शाइना बेजलर रोंडा रोजी वर्सेज नटालिया शॉर्टजी वर्सेज कार्मेला और चेल्सी ग्रीन के बीच मैच होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन को लेके गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इंटरनली उनको लेके काफ़ी सारा लास्ट वीक डिस्कशन हुआ है, इट मींस वो जल्दी रिटर्न करने वाले हैं और उम्मीद ये करी जा रही है कि वो रेसलमेनिया 39 के बाद जल्दी रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन के बैकलैश में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हालांकि 100% ये कन्फर्म नहीं है कि वो वहाँ मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। अब रैंडी ऑर्टन जब वापसी करेंगे तो देखना ये होगा कि वो सिंगल रन में आगे बढ़ते हैं या रिडल की वापसी करा के WWE फिर से इनको एक टैग टीम मैच में दिखाएगी। अब बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में। आप लोगों को बता दूं एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को 281 डेज हो चुके हैं। गंथर रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर और शेमस को ट्रिपल थ्रेट मैच में फेस करेंगे, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब गंथर को लेकर देखिए दो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। पहली ये कि मैनेजमेंट में ऐसी बातें चल रही हैं कि उन्हें रेसलमेनिया 39 में टाइटल हरवा दिया जाए ताकि WWE उनको और तगड़ा हील पुश दे सके। वहीं दूसरी चीज जो निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि गंथर रेसलमेनिया 39 में ड्रू मैकइंटायर और शेमस के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन कर लेंगे। अगर रेसलमेनिया 39 में गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन कर लेते हैं तो फिर कहा जा रहा है कि गंथर एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन 365 डेज यानी कि 1 ईयर कंप्लीट करेंगे और उनके 1 ईयर 10 जून 2023 को कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि गंथर भी रोमन रेंस की राह पर चल पड़े हैं। अगर वो एक साल कंप्लीट करते हैं एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो वाकई बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर।
वहीं हम बात कर लेते हैं कॉडी रूट्स को लेकर के। रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में बैक स्टेज जब कॉडी रूट्स एक इंटरव्यूअर के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां पे जाके काइजर और विंसी ने उनको कन्फ्रंट करा था। काइजर और कॉडी रूट्स के बीच काफी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, जहां पे काइजर कॉडी रूट्स को रॉयल रंबल को लेकर के टारगेट कर रहे थे। वो गंथर को कह रहे थे कि वो नंबर 1 पर एंटर हुए, नंबर 30 पे आके तुमने निकाल दिया वगैरह वगैरह। अब आपको बता दूं, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कॉडी रूट्स वर्सेस काइजर के बीच मैच सेट हो चुका है, इन दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा। वहीं रिसेंट में कॉडी रूट्स द बम्प शो में दिखाई दिए, जहां कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया के बाद कॉडी रूट्स और गंथर एक साथ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि कॉडी रूट्स ही वो सुपरस्टार होंगे जो फाइनली गंथर को डिथ्रोन करेंगे एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन से, और कॉडी रूट्स हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, फोटो में रखा हुआ तो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉडी रूट्स रॉ वुमेन्स चैंपियन तो नहीं बनेंगे ना। अब देखिए, रेसलिंग में कुछ भी दिखता है ना तो उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। अब हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो कि कॉडी रूट्स के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रखी हुई है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के क्या देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में। क्या रेसलमेनिया 39 के सभी मैचेस का रिजल्ट लीक हो चुका है? अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जीरो न्यूज ने एक ट्वीट करा है, उसमें बताया जा रहा है कि जीरो न्यूज ने सारे मैचेस के रिजल्ट लीक कर दिए हैं। अब आपको बता दूं, ये ट्वीट बहुत ही अटपटा है। सारे मैचेस में जो सुपरस्टार होने वाले हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर और उसके आगे राइट टिक और क्रॉस टिक लगा हुआ है। जो जीतने वाला उसके आगे राइट टिक और जो हारने वाला उसके आगे क्रॉस टिक लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं, पहला मैच जो आ रहा है वो सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल आ रहा है, जिसमें सेथ रॉलिंस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उसके बाद रोमन रेंज और कॉडी रूट्स, रोमन रेंज के नाम के आगे राइट टिक लगा है और कॉडी रूट्स के आगे क्रॉस लगा हुआ है। वहीं आगे एफ से फ्लेयर और आरआर से रिया रिप्ले के नाम के आगे टिक लगा हुआ है। वहीं नेक्स्ट है बियांका ब्लेयर आस्का, तो बियांका ब्लेयर के नाम के आगे राइट टिक लगा हुआ है। इसके बाद आते हैं ब्रॉक लेसनर और ओमास, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के नाम के आगे राइट टिक लगा हुआ है। फिर आते हैं ड्रू मैकइंटायर, शेमस और गंथर, तो ड्रू और शेमस के नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ और गंथर के नाम के आगे राइट टिक लगा हुआ है। वहीं इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी, जॉन सीना, तो ऑस्टिन थ्योरी के नाम के आगे राइट टिक लगा हुआ है, यानी कि वो जीतने वाले हैं। अब इसके बाद BLTS और L है, यानी कि बैकी लिंच, ट्रिस स्ट्रैटस और लीटा, और नीचे डैमेज कंट्रोल के आगे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि बैकी लिंच, ट्रिस स्ट्रैटस, लीटा जीतने वाली हैं। वहीं इसके बाद है एज और बैलर, तो यहाँ पे एज के नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है और बैलर यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट करा है जीरो न्यूज ने, जिसमें बताया जा रहा है कि लैशले और ब्रे वाइट, तो इसमें लैशले फेवरेट बताए जा रहे हैं। वहीं नेक्स्ट जो है वो रे मिस्टीरियो का आर और डोमिनिक का डी, जहां पे हमें डोमिनिक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ट्वीट और है जिसमें उन्होंने बाकी के रिमेनिंग मैचेस के बारे में बात करी है, हालांकि WWE की तरफ से इसमें से कुछ मैच ऑफिशियल नहीं है, जैसे कि SK यानी कि सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और नीचे यू यानी उसोस, तो यहाँ पे सैमी ज़ेन, केविन ओवंस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसमें वुमेन्स के बीच जो टैग टीम मैच दिखना है उसमें सारी वुमेन्स टैग टीम का नाम दिया गया, जिसमें NS यानी कि नटालिया शॉर्ट जी, RS यानी रोंडा रोजी, शाइना बेजलर, LR लिव मॉर्गन, रकील रोड्रिगेज, CC यानी चेल्सी ग्रीन और कार्मेला, जिसमें विनर फेवरेट यहाँ पे रोंडा रोजी और शाइना बेजलर बताए जा रहे हैं। वहीं अब मैन टैग टीम के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, P यानी स्ट्रीट प्रॉफिट्स का P, V यानी वाइकिंग राइडर्स, BSR मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशे और AA यानी अल्फा अकेडमी, तो यहाँ पे हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स विनर फेवरेट बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये कितना सही है कितना नहीं है तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब आपको इसको लेकर के क्या कहना है वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।